see that. It's all about. इस पे आपका ये ना इस पे सही है नहीं तो लेकिन अब लोग नहीं करना नहीं ये करने हैं ठीक है बनता है नहीं चाहिए वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे आ जाएं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज अदील महबूब एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस माउस ऑल इनपुट डिवाइसेस कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस चैप्टर नंबर 3 में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कीबोर्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 3 में दो पार्ट्स हैं इनपुट डिवाइसेस के और आउटपुट डिवाइसेस की सारी डिस्कशन है इसमें हमने इनपुट डिवाइसेस स्टार्ट की थी जिसमें हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था उसकी कीज डिस्कस की थी सारी डिटेल से हमने टॉपिक पढ़ा था आज जो हमने पढ़ना है टॉपिक वो है हमारा माउस का 3.1.2 और जो बाकी दीगर इनपुट डिवाइसेस चैप्टर में मेंशन है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे माउस एक ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस है अच्छा ये पॉइंटिंग डिवाइस है पहली बात आपने ध्यान में रखनी है पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए से हम स्क्रीन का जो कर्सर है उसे कंट्रोल करते हैं कर्सर जो एरो होता है हमारी स्क्रीन पे उसको कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं माउस के अलावा भी पॉइंटिंग डिवाइसेस अवेलेबल हैं लेकिन माउस एक ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइसेस में से है ठीक है माउस जो है अब यहाँ पे 9th क्लास की बुक में जो है वो एक बॉल वाला माउस मेंशन है जो कि पहले इस्तेमाल होता था अब इस्तेमाल नहीं होता इसलिए उसके बारे में आपको बता देता हूँ क्योंकि बुक में मेंशन है माउस जो है बॉल वाला जिसके नीचे एक बॉल होता है और उसको हमें फ्लैट सरफेस पे मूव करना पड़ता है सरफेस जो है वो फ्लैट होनी चाहिए बिल्कुल हमवार होनी चाहिए सतह उसके ऊपर हम उसे मूव करेंगे तो स्क्रीन का जो कर्सर है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा इसके ऊपर दो बटन्स होते हैं एक होता है लेफ्ट क्लिक का और एक राइट क्लिक का लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक ये दो बटन्स होते हैं इनका फंक्शन अभी पढ़ते हैं आजकल जो माउस इस्तेमाल हो रहे हैं वो ऑप्टिकल माउस यूज़ हो रहे हैं इनके नीचे बॉल नहीं बल्कि लेज़र लाइट होती है उसके लिए सरफेस का फ्लैट होना ज़रूरी नहीं है जबकि सरफेस रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए बस लेकिन फ्लैट होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है एक बात याद रखिएगा कि माउस जो है ये एक मूवेबल डिवाइस है मूवेबल डिवाइस से मुराद ये है कि ये ऐसी डिवाइस है जिसको यूज़ करने के लिए हमें इसको मूव करवाना पड़ता है जितनी भी बाकी डिवाइसेस हैं इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड हमने पढ़ा है मॉनिटर होता है प्रिंटर होता है स्पीकर होता है उसको यूज़ करना है तो हमें उसे मूव नहीं करना पड़ता लेकिन माउस एक ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको यूज़ करने के लिए हमें इसको मूव भी करना पड़ता है साथ ही इसलिए कहा गया कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है अब माउस जो है उसके 3 इवेंट्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQ भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये माउस वाला क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के बारे से भी है मैं ये लास्ट ईयर और उससे पहले भी ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है माउस और उसके इवेंट्स ठीक है तो माउस जो है उसके इवेंट्स कौन कौन से होते हैं इवेंट से मुराद पहले हमें पता होना चाहिए कि इवेंट कहते हैं किसको हैं इवेंट से मुराद ये है कि माउस के जो एक्शंस हैं जो काम हैं वो कौन कौन से हैं तो 3 माउस के इवेंट्स होते हैं नंबर 1 इज लेफ्ट क्लिक नंबर 2 इज राइट क्लिक एंड नंबर 3 इज ड्रैग लेफ्ट क्लिक माउस के ऊपर जो लेफ्ट बटन होता है इसे कहते हैं राइट क्लिक जो राइट पे बटन होता है उसे कहते हैं और एक माउस का जो एक्शन है इवेंट है तीसरा उसे कहते हैं ड्रैग अब इनका क्या काम है लेफ्ट क्लिक के जरिए से हम लोग क्लिक करके मुख्तलिफ आइकन्स को मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं उनको एक्टिव कर सकते हैं उनको चूज कर सकते हैं ये लेफ्ट क्लिक का काम होता है मुख्तलिफ आइकन्स को जो हमारे स्क्रीन पे आइकन्स नजर आते हैं लाइक माय कंप्यूटर का रिसाइकल बिन का माय डॉक्यूमेंट्स का इन आइकन्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं ये सिलेक्ट हो जाते हैं लेफ्ट क्लिक के जरिए से लेकिन जो राइट क्लिक है इसका काम ये होता है कि हम मुख्तलिफ आइकन्स की ऑप्शंस को देख सकते हैं जब भी हमें ऑप्शंस में जाना होता है ऑप्शंस को देखना होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं राइट क्लिक करेंगे किसी भी आइकन किसी भी मेन्यू के ऊपर तो हमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आएगा जिसके अंदर हमें बहुत सारी कमांड्स मिलेंगी जिनको हम सिलेक्ट करके अपने काम कर सकते हैं ये लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक ये दो माउस के इवेंट्स हो गए तीसरा जो इवेंट है वो है ड्रैग ड्रैग का जो उर्दू मायने है वो होता है घसीटना लेकिन यहाँ पे इससे मुराद ये है कि हम किसी आइकन को किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी विंडो में अपने कंप्यूटर में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर कर सकते हैं लेकर जा सकते हैं इस इवेंट को ड्रैग कहते हैं तो इसको कैसे परफॉर्म करते हैं ये जो ड्रैग का इवेंट है ये भी लेफ्ट क्लिक के जरिए से ही परफॉर्म होता है
आपको पता होगा, आपने यूज भी किया होगा कि अगर हम स्क्रीन पे कोई ऑब्जेक्ट, कोई आइकन नजर आ रहा है, कोई फोल्डर नजर आ रहा है, तो उसको हम लेफ्ट क्लिक करें और उसको प्रेस करके रखें लेफ्ट क्लिक का बटन, और माउस को मूव करके किसी दूसरी जगह पे ला के लेफ्ट क्लिक छोड़ दें, तो वो जो आइकन है, वो जो फोल्डर है, वो मूव करके दूसरी जगह पे आ जाएगी। इसे कहते हैं ड्रैग करना। तो माउस के जरिए से हम तीन काम कर सकते हैं, तीन इसके इवेंट्स होते हैं, लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है और ड्रैग का इवेंट होता है। लेफ्ट क्लिक के जरिए से हम क्या करते हैं, आइकन्स को सिलेक्ट करते हैं, फोल्डर्स को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, जबकि राइट क्लिक के जरिए से हम उनकी प्रॉपर्टीज और ऑप्शंस वगैरह ही उनके मुख्तलिफ कमांड्स को देखते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू के जरिए से, जबकि ड्रैग के जरिए से हम किसी आइकन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं। ये हमारे माउस का काम है, ये तीन इसके इवेंट्स हैं। ये लोगों क्वेश्चन के वाले से इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें जो इसके इवेंट्स हैं ये भी साथ लिखने हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो माउस और उसके इवेंट्स भी साथ पूछे जाते हैं। माउस के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है वो है ट्रैक बोर्ड। ट्रैक बोर्ड भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये बहुत रेयर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि माउस जो मैंने आपको बताया वो तो सबने देखा होगा, क्योंकि वो कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन ट्रैक बॉल जो है ये कॉमनली यूज नहीं है, लेकिन ये भी पॉइंटिंग डिवाइसेस में आती है। ट्रैक बॉल जो है इसे कहा जाता है अपसाइड डाउन माउस, अपसाइड डाउन माउस। अपसाइड डाउन माउस से मुराद है जिसे हम कहते हैं उल्टा माउस, यानी कि माउस के नीचे बॉल होता है, हमने भी पढ़ा, जिसको फ्लैट सरफेस पे मूव करना पड़ता है, बॉल मूव करता है तो फिर स्क्रीन पे कर्सर भी मूव करता है। लेकिन ट्रैक बॉल जो है इसके ऊपर बॉल लगा होता है, ट्रैक बॉल के ऊपर बॉल है, इस वजह से इसको अपसाइड डाउन माउस कहा गया। मतलब अगर हम जैसे माउस को उल्टा कर दें तो उसके ऊपर बॉल आ जाएगा, इसी तरह से ट्रैक बॉल के ऊपर बॉल होता है, इस वजह से इसको अपसाइड डाउन माउस कहा जाता है। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कि जब मैंने कहा पॉइंटिंग डिवाइस है तो इसका क्या मतलब है कि स्क्रीन पे जो कर्सर है हम उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके जरिए से भी हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि ट्रैक बॉल एक स्टेशनरी डिवाइस है, स्टेशनरी डिवाइस से मुराद है, स्टेशनरी का मतलब होता है साकिन, एक जगह पे स्टेबल रहने वाली चीज, उसे हम स्टेशनरी कहते हैं। तो माउस जो है वो एक मूवेबल डिवाइस थी, हमने पढ़ा था, जिसके जरिए से हमने पढ़ा था कि माउस को अगर हमने यूज करना है तो हमें उसको मूव करना पड़ता है साथ। लेकिन ये ऐसी डिवाइस है कि ये अपनी जगह पे स्टिल रहती है, कर्सर भी हमारा मूव कर जाता है, लेकिन ये जो डिवाइस है ये भी अपनी जगह से मूव नहीं करती, ये एक स्टेशनरी साकिन डिवाइस है, ये एक स्टेबल रहने वाली डिवाइस है। इसके ऊपर जो बॉल होता है उसको हम अपनी हथेली से, मतलब अपने पाम से, थंब से या फिंगर के साथ रोटेट करते हैं, उसको मूव करते हैं बॉल को, तो बॉल मूव करता है तो स्क्रीन पे जो कर्सर है वो भी मूव करता है, लेकिन इस डिवाइस को, ट्रैक बॉल को, हमें मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी इसके बटन्स उसी तरह से हैं जिस तरह माउस के ऊपर दो बटन्स लगे होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक का बटन होता है, एक राइट क्लिक का बटन होता है। लेफ्ट क्लिक का इसका भी काम वही है, राइट क्लिक का भी इसका काम वही है। तो माउस और ट्रैक बॉल में सिर्फ बनावट का डिफरेंस है, और वो एक मूवेबल डिवाइस थी, जबकि ट्रैक बॉल जो है वो एक स्टेशनरी डिवाइस कहलाती है। ठीक है, ट्रैक बॉल और माउस के दोनों पॉइंटिंग डिवाइसेस में आते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी हैं, तो आपने याद रखना है कि पॉइंटिंग डिवाइसेस वो होती हैं जिनके जरिए से स्क्रीन पे हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं, कर्सर को मूव करवाते हैं। तो याद रखिएगा, ये एक क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है कि लिस्ट फोर नेम्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस, चार पॉइंटिंग डिवाइसेस के नाम लिखें। तो आपकी जो बुक में, नाइन्थ क्लास की बुक में जो चार पॉइंटिंग डिवाइसेस मेंशन है, उनमें एक माउस है, दूसरा ट्रैक बॉल है, तीसरा लाइट पेन है और चौथा जॉयस्टिक है। ये चार हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी होती हैं, टच पैड भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, पॉइंटिंग स्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पेन बेस सिस्टम भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जो बुक में मेंशन नहीं है, जो मैंने अभी बताई, लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइसेस में आती हैं। उसके बाद ट्रैक बॉल के बाद जो नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस है हमारे पास वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके जरिए से हम गेम्स खेलते हैं, इसको हम यूज करते हैं गेम्स खेलने के लिए। ठीक है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है।
और इसके जरिए से हम गेम्स खेलते हैं मोस्टली। जॉयस्टिक का यूज होता है गेम्स खेलने के लिए। आपको पता होगा कि जॉयस्टिक जो है इसके ऊपर एक लिवर होता है जिसको हम मूव करते हैं, जिसे हम मूवमेंट हैंडल करते हैं, उसको लिवर कहा जाता है। उसके जरिए से हम कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं या गेम्स में जो प्लेयर हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर 3 या 4 बटन्स होते हैं जिनको ट्रिगर करके हम मुख्तलिफ काम करते हैं गेम में, हम खेलते हैं उसको, प्ले करते हैं। तो ये जॉयस्टिक का काम है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जॉयस्टिक को फिर पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहा गया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पॉइंटिंग डिवाइस तो वो होती हैं जिनके जरिए से स्क्रीन पे हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं, कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो फिर जॉयस्टिक को पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहा गया जबकि ये तो गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो याद रखिएगा जॉयस्टिक जो है इसको पॉइंटिंग डिवाइस इस वजह से कहा गया क्योंकि इसके जरिए से स्क्रीन के कर्सर को भी हम मूव करवा सकते हैं। मेन इसका मकसद ये नहीं है, मेन जो इसका काम है वो यही है कि जो हमारी स्क्रीन पे गेम्स चल रही होती हैं हम उनको खेलते हैं, उनको प्ले करते हैं। लेकिन इसका एक और काम भी है कि इसके जरिए से हम स्क्रीन का जो कर्सर है उसको भी मूव करवा सकते हैं। और मोस्टली जॉयस्टिक जो है वो इस्तेमाल होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में, CAD CAD के लिए, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन से मुराद है जब हम ड्राइंग्स करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं कंप्यूटर के ज़रिए से, कंप्यूटर पे कोई ड्राइंग कर रहे हैं, कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर जो लीवर होता है उस लीवर को हम मूव करके स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर है उसको कंट्रोल करते हैं और मुख्तलिफ शेप्स वगैरह ड्रा कर सकते हैं। तो ड्राइंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे कैड कहते हैं, इस प्रोसेस को कैड कहते हैं कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, उसके लिए भी जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि डिज़ाइन करने के लिए जो कर्सर होता है जिसके जरिए से हम मुख्तलिफ लाइन और शेप्स बना रहे हैं वो भी कर्सर है, तो उसको मूव करने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है, जॉयस्टिक इस्तेमाल होता है। इस वजह से इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहा गया, वरना इसका जो मेन एम है, जो मेन मकसद है वो यही है कि हम इसके ज़रिए से गेम्स खेलते हैं। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ी हैं। हमने माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक के बारे में डिस्कस किया। ये इनपुट डिवाइसेस भी हैं, इनपुट डिवाइसेस का चूंकि टॉपिक पर है हम, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dil Mehboob and today we are going to discuss input devices. कुछ input devices हमने last lecture में discuss कर ली थी और आज हम discuss करेंगे scanner और बाकी जो दीगर devices हमारे remaining है उनको हम discuss करेंगे। तो last lecture में हमने mouse, trackball और joystick के बारे में पढ़ा था जो कि pointing devices थी। आज हम discuss करेंगे scanner के बारे में कि scanner का क्या काम है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ये ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर में इमेज डाटा एंटर करते हैं। याद रखिएगा कि जितनी भी इनपुट डिवाइसेज हैं वो हर एक खास किस्म की इनपुट
कंप्यूटर में एंटर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इनपुट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, डेटे की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हमारे पास इमेज डाटा भी होता है, हमारे पास ऑडियो डाटा भी होता है, वीडियो डाटा भी होता है, टेक्स्ट डाटा भी होता है। तो टेक्स्ट डाटा एंटर करने के लिए हमने कीबोर्ड पढ़ा था, ठीक है, स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ी। इसके अलावा हमने इमेज डाटा अगर कंप्यूटर में एंटर करना हो तो उसके लिए हम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमने वॉइस कंप्यूटर में एंटर करनी हो उसके लिए स्कैनर या कीबोर्ड इस्तेमाल तो नहीं ना होगा, उसके लिए माइक्रोफोन इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वीडियो इनपुट करनी है तो उसके लिए वीडियो कैमरा इस्तेमाल किया जाएगा, डिजिटल कैमरा इस्तेमाल किया जाएगा। तो स्कैनर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए से कंप्यूटर में इमेज डाटा एंटर किया जाता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इसका काम ये होता है कि अगर हमने कोई पेज है, जैसे किसी बुक का एक पेज है, वो मैंने कंप्यूटर में देखना है, हार्ड कॉपी मेरे पास पड़ी, हार्ड कॉपी से मुराद है कि मेरे पास एक पेज है, मैं अगर उसे स्कैनर पर रखूंगा तो उस पेज की इमेज कंप्यूटर में मुझे नजर आएगी। अब वो इनपुट हुई है नजर, वो मॉनिटर से मुझे आ रही है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर ने उसको इन किया, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, इसके जरिए से हम कंप्यूटर में इमेज डाटा एंटर कर सकते हैं। तो अगर कोई पेज, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुक है, उसका एक पेज है, वो मैंने किसी को सेंड करना है, ठीक है, उसको किसी को मेल करना है, मैंने व्हाट्सएप करनी है उसकी इमेज, तो फिर एक तो मोबाइल से हम उसकी पिक्चर ले सकते हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट का और रेजोल्यूशन का फर्क आता है। तो स्कैनर जो है इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। स्कैन कॉपी जो होती है वो बेहतरीन होती है। तो स्कैनर के ऊपर अगर हम वो पेज रखें तो उसकी जो इमेज है वो कंप्यूटर में चले जाएगी और वो डिजिटल फॉर्मेट में चले जाएगी। बात याद रखिएगा, जो चीज़ कंप्यूटर में चले गई है वो असल में डिजिटल फॉर्मेट में होती है, डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में सेव होती है। तो जो इमेज है वो जो पेज की इमेज थी वो कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में चलेगी। अब जब चूंकि वो डिजिटल फॉर्म में चलेगी, वो कंप्यूटर में चलेगी, तो हम उसको सेव कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब उसको हम सेंड कर सकते हैं किसी को, उसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। अब वो कंप्यूटर में इमेज चलेगी, मैं उसको किसी को सेंड भी कर सकता हूँ, सेंड करने से पहले मैं उसकी एडिटिंग भी कर सकता हूँ। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से हम जो स्कैन कॉपी कंप्यूटर में आई है डिजिटल फॉर्मेट में, उस इमेज को एडिट कर सकते हैं, उसके चेंजिंग कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद आगे किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं, उस किसी को सेंड भी कर सकते हैं। तो ये स्कैनर का काम है। कुछ स्कैनर ऐसे होते हैं जो मोनोक्रोम होते हैं। मोनोक्रोम से मुराद ये है कि वो ब्लैक एंड वाइट इनपुट करते हैं। पेज अगर कलर भी हो, पेज के ऊपर कलर्स भी हो, कलर पेज हो, लेकिन वो कंप्यूटर में हमें मोनोक्रोम यानी ब्लैक एंड वाइट ही दिखाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं स्कैनर आज जो कि कलर भी होते हैं, मतलब जो जैसा पेज है, जो जो कलर उसके ऊपर हैं, वैसे ही हमें कंप्यूटर में नजर आएंगे। तो ये स्कैनर का काम होता है, ठीक है। तो जो मोनोक्रोम होते हैं उसमें टू ही कलर्स होते हैं, एक ब्लैक होता है और एक वाइट होता है। ब्लैक आपको पता है, ब्लैक एंड वाइट से मुराद ये कि एक बैकग्राउंड कलर होगा और एक फोरग्राउंड कलर होगा। जैसे व्हाइट बोर्ड है तो इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है और फोरग्राउंड कलर जो है इसका ब्लैक है, तो ये ब्लैक एंड वाइट है। तो ऐसे स्कैनर जो कि ब्लैक एंड वाइट इमेज कंप्यूटर में एंटर करते हैं, कलर नहीं करते, वो मोनोक्रोम स्कैनर कहलाते हैं, जबकि दूसरे जो है वो कलर भी होते हैं, आज अवेलेबल हैं, लेकिन वो थोड़े से महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। स्कैनर के बाद अभी हमने देखा था कि अगर हमने कंप्यूटर में वॉइस डाटा एंटर करना हो, मतलब कंप्यूटर में अगर हमने आवाज़ एंटर करनी है, तो उसके लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है। ओब्वियसली माइक्रोफोन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम माइक भी कहते हैं। तो माइक्रोफोन का क्या काम है कि कंप्यूटर में अपनी वॉइस एंटर करना, जब हमने कोई रिकॉर्डिंग करनी होती है, कोई आवाज़ रिकॉर्ड करनी है या कंप्यूटर में एंटर करके उसको सेव करना है, तो उसके लिए फिर हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे फ़ोन्स में भी माइक्रोफोन होता है जिसके ज़रिए से हम कॉल करते हैं, बोलते हैं, हमारी आवाज़ जाती है, और हम कंप्यूटर के साथ भी अटैच करके माइक्रोफोन में बोल सकते हैं। तो माइक्रोफोन जो है इसका काम ये होता है कि हमारी वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, ये माइक्रोफोन का काम है। याद रखिएगा कि इसका क्या काम है कि हमारी वॉइस को, हमारी आवाज़ को, जो साउंड वेव्स हैं उनको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल वेव्स में। तो फिर वो वायर जिसके ज़रिए से माइक्रोफोन कंप्यूटर से अटैच होता है, उस वायर से होकर हमारी आवाज़ कंप्यूटर में चली जाती है। जब वो कंप्यूटर में चली जाती है तो वही बात आ गई कि जब वो कंप्यूटर में चलेगी तो वो किस फॉर्म में चलेगी, डिजिटल में कन्वर्ट हो गई।
डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। जब वो डिजिटल में चलेगी कंप्यूटर में एक फाइल बन के सेव होगी, अब उसके ऊपर मैं एडिटिंग भी कर सकता हूँ, उसको किसी को सेंड भी कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, कट पेस्ट कर सकता हूँ उसको, ठीक है, उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, उसको उसकी कॉपीज बना के कहीं और सेव भी कर सकता हूँ। तो ये काम होता है डिजिटल फाइल का। तो जो चीज़ डिजिटल फॉर्मेट में होती है बेसिकली उसका ये काम होता है कि वो कंप्यूटर में चलेगी, अब वो फाइल बन गई, उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो ये माइक्रोफोन का काम होता है कि हमारी साउंड वेव्स को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है। जब वो कंप्यूटर में चले जाएगी तो फिर वो डिजिटल फॉर्म में सेव हो जाएगी। एक टॉपिक है हमारे पास वॉइस रिकॉग्निशन का। वॉइस रिकॉग्निशन असल में माइक्रोफोन से रिलेटेड है, इसलिए इसी माइक्रोफोन के टॉपिक में ही शामिल है। वॉइस रिकॉग्निशन से मुराद है आवाज की पहचान करना। आज हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं, जो मोबाइल फोन्स हैं, वो हमारी साउंड को, हमारी आवाज की पहचान करते हैं कि ये आवाज किसकी है। जैसे हमारे फोन्स में या हमारे कंप्यूटर्स में सिस्टम में, ऐसे तो बहुत पुराना ही सिस्टम आ गया हुआ है, टेक्नोलॉजी बहुत ओल्ड हो गई है कि हम अपनी आवाज रिकॉर्ड करके उस पर भी पासवर्ड लगा सकते हैं, मतलब उस पर भी सिक्योरिटी कोड लगा सकते हैं। हम जो बोलेंगे हमारी आवाज मैच होगी और फिर ही वो लॉक को ओपन करेगा, वरना लॉक ओपन नहीं करेगा। हम कुछ वर्ड्स एक दफा रिकॉर्ड करवा देंगे, नेक्स्ट टाइम वो वर्ड्स बोलेंगे उसमें तो वो उसको रिकॉर्ड करेगा। तो उस मकसद के लिए भी माइक्रोफोन इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारी आवाज कंप्यूटर में जानी है तो मैच होनी, उसके लिए माइक्रोफोन यूज होगा। माइक्रोफोन के जरिए से आवाज कंप्यूटर में जाएगी, वॉइस कंप्यूटर में एंटर की जाएगी। तो इस सॉफ्टवेयर को वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी आवाज की पहचान करता है, हमारे फोन्स में और कंप्यूटर्स में भी ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनके जरिए से हम कोड लगा देते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर को, नेक्स्ट टाइम हम बोलेंगे हमारी आवाज वो मैच करेगा। अगर तो हमारी आवाज है तो फिर ही वो उसको ओपन करेगा, वरना वो उसको अनलॉक कतन नहीं करेगा। ये वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है, इसके लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल होता है। अब जब हम बोलते हैं तो जब आवाज़ अपनी रिकॉर्ड करवाते हैं सिक्योरिटी कोड के लिए, लॉक के लिए, तो वो जो हमारी आवाज़ है, वो जो हम स्पीच करते हैं, जो हम बोलते हैं, कोई एक सेंटेंस हो चाहे या दो तीन वर्ड्स ही क्यों ना हो, जैसे अगर मैं कहता हूँ प्लीज़ ओपन माई मोबाइल, प्लीज़ ओपन द लॉक, ये एक सेंटेंस है। तो ये जो स्पीच है इसे स्पीच कहते हैं। इस स्पीच की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डिस्क्रीट स्पीच एंड द सेकेंड वन इज कंटिन्यू स्पीच। डिस्क्रीट स्पीच और कंटिन्यू स्पीच, ये स्पीच की टाइप्स हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है डिसकॉन्टिन्यूस, कि हमने पहले भी डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 में, जब हमने डिजिटल कंप्यूटर पढ़ा था वहाँ पे भी डिस्क्रीट का वर्ड हमने पढ़ा था, या हमने बसेस वाला टॉपिक पढ़ा था, कंट्रोल यूनिट वाला पढ़ा था, वहाँ पे भी डिस्क्रीट के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे दोबारा मैं आपको बता देता हूँ डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, कि वक्फे वक्फे के साथ, रुक रुक कर, एक पाज के साथ, एक वक्फे के साथ, ठीक है। तो अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि हर वर्ड के दरमियान में थोड़ा सा वक्फा रख रहे हैं, थोड़ी सी स्पेस दे रहे हैं, मतलब बोलते हुए थोड़ी देर रुक रहे हैं हर वर्ड के दरमियान, इसको कहेंगे डिस्क्रीट स्पीच। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस बोल रहे हैं, जैसे मैं इस टाइम पे बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो उसे हम कहेंगे कंटिन्यू स्पीच। तो दोनों तरह की स्पीचेज होती हैं। जब हमने वॉइस को रिकॉग्नाइज करवाना होता है, वॉइस को कंप्यूटर में सेव करवाना होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम बोलें वो उसको मैच करे, तो हमारा कंप्यूटर का लॉक ओपन करे या ना करे, तो उसके लिए फिर दो तरह की स्पीचेज बोली जाती हैं, डिस्क्रीट स्पीच और कंटिन्यू स्पीच। जो ओल्ड वॉइस रिकॉग्निशन के सॉफ्टवेयर थे जो शुरू में बनाए गए थे, उनमें ये होता था कि वो वॉइस रिकॉग्निशन के जो सॉफ्टवेयर थे वो कंटिन्यू स्पीच को डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि कंटिन्यू स्पीच में हमारे बहुत सारे वर्ड जो हैं वो अक्सर ऐसे होता है कि वो एक साथ ही बोले जाते हैं, तो वो जज नहीं कर पाता, वो डिटेक्ट नहीं कर पाता कि कौन सा वर्ड कहाँ पे खत्म हो रहा है और अगला वर्ड कहाँ पे शुरू हो रहा है। तो उसके लिए कंटिन्यू स्पीच पहले नहीं होती थी। तो पहले जो ओल्ड सिस्टम्स थे वॉइस रिकॉग्निशन के, उनमें हमें रुक रुक कर बोलना पड़ता, उसे बताना पड़ता था कि ये वर्ड यहाँ खत्म हो गया, फिर अगला वर्ड यहाँ से शुरू होगा। इस तरह की स्पीच को डिस्क्रीट स्पीच कहते हैं। लेकिन उसके बाद जो न्यू वॉइस रिकॉग्निशन के सॉफ्टवेयर आ गए, आज भी जो चल रहे हैं, वो सपोर्ट करते हैं कंटिन्यू स्पीच को। उनमें हम कंटिन्यू स्पीच भी बोलें तो उनको सेव कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम उसको डिटेक्ट कर लेंगे, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि पीपल प्रेफर डिस्क्रीट स्पीच ओवर कंटिन्यू स्पीच। लोग डिस्क्रीट स्पीच को प्रेफर करते हैं कंटिन्यू स्पीच की निस्बत। डिस्क्रीट स्पीच जो है ये बेहतर है कंटिन्यू स्पीच की निस्बत। क्यों बेहतर है? इस वजह से बेहतर है क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम बोलेंगे, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवाएंगे, तो अगर हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, जिस स्पीड के साथ बोल रहे हैं, जिस स्पीच के साथ हमारी आवाज़ है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है
कि हम जिस स्पीड के साथ बोलेंगे वो स्पीड वैसी ना हो जैसे पहले, तो वर्ड्स को वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम हमारी भी आवाज़ पिच तो मैच हो जाएगी लेकिन नेक्स्ट टाइम हमारी आवाज़ को भी वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वो समझेगा ही नहीं कि ये वर्ड्स कौन से बोल रहा है। तो बेहतर ये है कि जब हम वॉइस रिकॉर्ड करवाएं फर्स्ट टाइम तो डिस्क्रीट स्पीच बोलें, नेक्स्ट टाइम डिस्क्रीट स्पीच का ही इस्तेमाल करें ताकि वर्ड्स को आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उसे पता हो कि कौन सा वर्ड कहाँ पे खत्म हो रहा है अगला कहाँ से शुरू हो रहा है, वो उनको आपस में मैच करवा सके। इसलिए डिस्क्रीट स्पीच जो है ये बेहतर समझी जाती है कंटिन्यू स्पीच की निस्बत। तो इस काम के लिए, वॉइस रिकॉग्निशन के काम के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि वॉइस डाटा कंप्यूटर में एंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ये हमारी इनपुट डिवाइसेस थी। आगे मजीद कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ दिल महबूब। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से हैं। आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनपुट डिवाइसेस पर ही है, जो हमारी रिमेनिंग इनपुट डिवाइसेस हैं। चैप्टर नंबर 3 की वो आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वॉइस रिकॉग्निशन तक पढ़ा था, माइक्रोफोन और स्कैनर के बारे में डिस्कशन हुई थी डिटेल से कि स्कैनर का क्या काम है, माइक्रोफोन का क्या काम है, और उसके बाद हमने देखा था कि वॉइस रिकॉग्निशन का क्या काम है। आज जो हमारा अगला आर्टिकल है 3.1.7 वो लाइट पेन के बारे में है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, और याद रखिएगा कि ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक ये पॉइंटिंग डिवाइस है, और मैंने बताया था पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके जरिए से स्क्रीन पे जो हमारा पॉइंटर होता है, पॉइंटर यानी कि कर्सर, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। तो लाइट पेन को भी पॉइंटिंग डिवाइसेस में शुमार किया जाता है क्योंकि इसका भी यही काम होता है, पॉइंटर को कंट्रोल करना, स्क्रीन पे पॉइंट करना, स्क्रीन पे टच करना, मुख्तलिफ काम करना, स्क्रीन से काम लेना इसके जरिए से, तो इसको भी पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। तो 4 पॉइंटिंग डिवाइसेस आपकी बुक में मेंशन है, माउस है, ट्रैकबॉल है, जॉयस्टिक है और लाइट पेन है। ये 4 पॉइंटिंग डिवाइस, इसके अलावा भी होती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया बोर्ड का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ये आया था, लास्ट ईयर 2017 में ये आया था कि कोई सी 4 पॉइंटिंग डिवाइसेस का नाम लिखें, तो उनमें आपने 4 डिवाइसेस का नाम लिखना था। इसके अलावा भी होती हैं, मैंने आपको बताया था टच पैड होता है पॉइंटिंग डिवाइस में, इसके अलावा पॉइंटिंग स्टिक होती है, स्टाइलस होता है, पेन बेस्ड सिस्टम होता है, टच स्क्रीन होती है, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस में आती हैं। लेकिन हमारे कोर्स में जो है वो यही 4 हैं। लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसका क्या काम होता है, ये एक पेन की तरह दिखने वाली डिवाइस है और ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है थ्रू वायर और वायरलेसली, मोस्टली वायरलेसली कनेक्टेड होती है, मोस्टली इसका वायर नहीं लगी होती। जो पहली लाइट पेन डिवाइस बनाई गई थी शुरू में उसके साथ वायर थी, वो वायर के जरिए कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड थी, लेकिन अब जो बाद में टेक्नोलॉजी आई उसके बाद वायर खत्म हो गई, वायरलेसली लाइट पेन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने लग गया। इसका काम ये होता है के टच स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन भी टच स्क्रीन होनी चाहिए जो कि टच को सेंसिटिव करे, उसके ऊपर हम पॉइंट करके मुख्तलिफ आइकन्स को प्रेस करते हैं, टैप करते हैं, उनको टच करते हैं, उसके ज़रिए से फिर हम अपने काम करते हैं। जिस तरह से आज हम अपने फ़ोन्स में अपने थंब से या अपनी फिंगर के ज़रिए से टच करते हैं, उसको टैप करते हैं, उसे काम लेते हैं, इसी तरह से
लाइट पेन के जरिए से पहले काम किया जाता था, फिंगर से या थंब के जरिए से हम टच नहीं किया करते थे बल्कि हम लाइट पेन के जरिए से टैप करते थे। ये एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है, लाइट पेन इज अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस। लाइट सेंसिटिव डिवाइस से मुराद ये है कि ये ऐसी डिवाइस है जो लाइट को सेंस करती है, जैसे हमारे फोन्स हैं वो टच सेंसिटिव होते हैं, उनको हम टच करते हैं उसको सेंस करते हैं, उनको पता लगता है कि यहाँ पे टच हो रहा है तो उसको सेंस करते हैं। लेकिन लाइट पर लाइट सेंसिटिव डिवाइस है, क्यों? क्योंकि इसको जब हम स्क्रीन के पास लेके जाते हैं तो ये जब स्क्रीन की लाइट इस पर पड़ती है तो ये उस लाइट को सेंस कर लेता है। तो पहले ये कनेक्टेड होता है कंप्यूटर के साथ, तो जैसे ही उसको उसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं स्क्रीन के साथ तो उसको सेंस करता है। इसके अंदर से लेजर लाइट निकलती है, छोटी सी लाइट होती है जो कि टच करके उसको टैप करके वहाँ पे आइकन को या जो भी काम है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है। लाइट पेन बनाने का मकसद क्या था? लाइट पेन बनाने का मकसद ये था कि हम डिजिटल ड्राइंग कर सकें, यानी कि हमारे पास जो टैबलेट्स हैं तो उनके ऊपर हम इस लाइट पेन के जरिए से ड्रा कर सकें, कुछ कोई इमेज कोई ड्राइंग कर सकें, डिज़ाइनिंग कर सकें। ये लाइट पेन का बेसिक मकसद था बनाने का। फिंगर से तो ड्राइंग नहीं हो सकती जो डिजिटल ड्राइंग है। डिजिटल ड्राइंग ऐसी ड्राइंग को कहते हैं जो हम पेपर पे नहीं करते, पेंसिल से नहीं करते, हम लोग कंप्यूटर पे यानी कि किसी टैबलेट पे या फ़ोन पे कर रहे होते हैं। तो उसके लिए जो फिर इस डिवाइस इस्तेमाल की जाती थी वो लाइट पेन थी। तो लाइट पेन बनाने का मकसद असल में ये था। तो लाइट पेन जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? स्क्रीन पे टैप करने के लिए, मोस्टली ड्राइंग्स वगैरह करने के लिए। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ये बोर्ड में कई दफ़ा आ चुका है, ठीक है? तो ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है शॉर्ट के हवाले से भी। उसके बाद है हमारे पास डिजिटल कैमरा। हमने पढ़ा था कि वैरायटी ऑफ इनपुट डिवाइसेस की वजह से डिफरेंट टाइप्स की इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। इनपुट की डिफरेंट टाइप्स हैं, मतलब टेक्सचुअल डाटा होता है, साउंड डाटा होता है, इमेज डाटा होता है, वीडियो डाटा होता है। तो डिफरेंट टाइप का डाटा कंप्यूटर में एंटर करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। एक ही डिवाइस के जरिए से तमाम तरह के इनपुट कंप्यूटर में एंटर नहीं कर सकते। अगर हमने वॉइस एंटर करनी कंप्यूटर में उसके लिए हमने माइक्रोफोन डिस्कस किया था, अगर हमने टेक्स्चुअल डाटा एंटर करना उसके लिए हमने कीबोर्ड पढ़ा था, अगर हमने कंप्यूटर में कोई इमेज डाटा एंटर करना है तो उसके लिए हमने स्कैनर पढ़ा था, तो अगर हमने कंप्यूटर में वीडियो डाटा एंटर करना है तो उसके लिए हम डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल करेंगे। एक होते हैं ऑर्डिनरी कैमराज जो पहले इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें मेमोरी कार्ड या स्क्रीन नहीं होती थी, हम तस्वीरें कैप्चर करते थे और फिर जब हम उनको डिवेलप करवाते थे तो फिर वो हमें नज़र आती थी कि क्या तस्वीरें हमने कैप्चर की हैं। लेकिन आज जो कैमराज इस्तेमाल हो रहे हैं वो डिजिटल कैमरा हैं। और एक टर्म मैंने आपको बताई थी कि जब आपके पास ये टर्म लिखी नज़र आए डिजिटल फॉर्म में, कोई चीज़ है डिजिटल फॉर्म में, उसका मतलब ये है कि इसको कंप्यूटर में एंटर कर दिया गया है। वो चीज़ जो कंप्यूटर में चले जाती है डिजिटल फॉर्म में होती है, चाहे वो कोई इमेज हो, चाहे वो कोई साउंड हो, चाहे वो कोई वीडियो ही क्यों ना हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में चले गई। तो आजकल जो डिजिटल कैमराज हैं वो खुद ही कंप्यूटर हैं, उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। जब हम कोई पिक्चर कैप्चर करते हैं उनके अंदर मेमोरी कार्ड होता है, उनकी अपनी स्टोरेज होती है, उस स्टोरेज पे वो इमेज स्टोर हो जाती है और हम उसको उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट देख सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। हालांकि पहले जो ऑर्डिनरी कैमराज थे उनमें ऐसा नहीं था। फिर इनमें वीडियोस भी बनती हैं, जब हम वीडियो इसमें रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इसमें सेव हो जाती है डिजिटली, इसलिए इसको डिजिटल कैमरा कहा गया। डिजिटल फॉर्म में सेव हो गई, जब डिजिटल फॉर्म में होगी कंप्यूटर में एक फाइल बन गई, फिर उसकी हम एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट पेस्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ डिजिटल में आ गई। इस वजह से इसको डिजिटल कैमरा कहा जाता है। जब इसके अंदर हम वीडियो कैप्चर कर लेते हैं, बाद में जब हमने कंप्यूटर में भी सेव करनी है तो उसके लिए फिर इस कैमरे को हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं थ्रू वायर, या फिर जो इसके अंदर स्टोरेज मीडिया है लाइक उसका मेमोरी कार्ड होता है उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करके, तो इसकी जो वीडियो है इसके अंदर डिजिटल फॉर्मेट में वो कंप्यूटर में एंटर कर लेते हैं। फिर आगे मजीद उसके ऊपर हम कोई एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन्स जो है वो भी उनके अंदर भी जो कैमरा है वो भी डिजिटल कैमरा है, क्योंकि उनके अंदर भी हम वीडियो वगैरह कैप्चर करते हैं, बाद में हम उनको देख भी सकते हैं और कंप्यूटर में भी एंटर करवा सकते हैं कंप्यूटर से अटैच करके, कनेक्ट करके थ्रू वायर और वायरलेसली भी। तो इस वजह से डिजिटल कैमरा को डिजिटल कैमरा नाम दिया गया, क्योंकि इसके अंदर जो वीडियो सेव होती है वो डिजिटल फॉर्मेट में होती है, कंप्यूटर में सेंड कर दी जाती है।
डिजिटल कैमरा के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डिस्क ड्राइव 3.1.9। डिस्क ड्राइव एक ऐसी डिवाइस है जो कि समझने के बारे से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 4 में भी यूज होगा, ठीक है। तो डिस्क ड्राइव ध्यान से समझना कि डिस्क ड्राइव क्या है। याद रखिएगा, डिस्क ड्राइव का काम ये होता है कि डिस्क के ऊपर, किसी भी डिस्क के ऊपर डेटे को राइट करना या डिस्क से डेटे को रीड करना, ये डिस्क ड्राइव का काम। डिस्क ड्राइव का क्या काम है? डिस्क के ऊपर डेटे को राइट करना या डिस्क के ऊपर जो डेटा पड़ा हो उसको रीड करना। अब राइट और रीड का मतलब क्या है और यहाँ पे डिस्क से क्या मुराद है? यहाँ डिस्क से मुराद ये है, जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क, या हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है, ठीक है, या फिर हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। ये जो डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर एक गोल डिस्क लगी होती है राउंड शेप में, सर्कल की शेप में, उसे डिस्क कहा जाता है। डाटा सारा उस डिस्क के ऊपर स्टोर होता है, हमें वो अमूमन वो डिस्क नजर नहीं आती, बाहर से हार्ड डिस्क एक रेक्टेंगुलर केसिंग में नजर आती है, उसके अंदर डिस्क लगी होती है, उस डिस्क के ऊपर डाटा सेव होता है। जब उसके ऊपर डाटा सेव किया जाता है तो वो जो बाहर उसकी केसिंग लगी है वो डिस्क ड्राइव होती है, उसका ये काम है। उसके अंदर डिस्क ड्राइव के अंदर एक लगा होता है रीड राइट हेड, रीड राइट हेड। रीड राइट हेड क्या है कि अगर हमारे पास फर्ज करते हैं कि एक हार्ड डिस्क है और इसके अंदर एक डिस्क लगी हुई है, तो ये जो है अंदर वाली, इसे कहेंगे डिस्क, इसके ऊपर डाटा सेव होता है, और ये जो बाहर इसकी रेक्टेंगुलर केसिंग नजर आ रही है इसको हम कहेंगे डिस्क ड्राइव। इस डिस्क ड्राइव का ही ये काम है कि इस डिस्क के ऊपर डाटे को सेव करवाना, राइट करवाना और इससे डाटे को रीड करना। तो इस डिस्क के अंदर एक हेड लगा होगा जिसे कहते हैं रीड राइट हेड। जब हम कोई चीज इसके ऊपर कॉपी करेंगे, इसके ऊपर सेव करेंगे डिस्क के ऊपर, तो हमारी जो डिस्क ड्राइव है उसके अंदर लगा हुआ रीड राइट हेड है, उसका क्या काम होगा कि वो इसके ऊपर राइट करेगा, इस डिस्क के ऊपर डाटे को राइट कर देगा। और कल को जब हम उसको रीड करेंगे, मतलब उसको देखना चाहेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो फिर यही रीड राइट हेड जो है रीड करके हमें देगा। तो डिस्क ड्राइव का क्या काम है कि डिस्क के ऊपर डाटे को राइट भी करना और उससे रीड भी करना। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने माइंड में रखना है कि ये जो डिस्क ड्राइव है, इसने जब डिस्क के ऊपर डाटा राइट किया तो इससे मुराद ये है कि इसने इनपुट की, उसने कोई डाटा एंटर किया, लेकिन जब डिस्क से डाटा रीड किया, निकाल के यूजर को स्क्रीन पे दिखाया, तो उसने आउटपुट की, आउटपुट वाला काम किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क ड्राइव जो है ये इनपुट भी है और आउटपुट भी। डिस्क ड्राइव एक इनपुट डिवाइस के तौर पे भी काम करती है और आउटपुट डिवाइस के तौर पे भी काम करती है, क्योंकि कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं, सिर्फ इनपुट ही नहीं है या सिर्फ आउटपुट ही नहीं है, बल्कि उनके जरिए से दोनों काम लिए जा सकते हैं, जिनके एक एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ी, बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है, वो है डिस्क ड्राइव। तो डिस्क ड्राइव का क्या काम हमने पढ़ा कि इसमें एक डिस्क लगी होती है, डिस्क ड्राइव का काम होता है इस डिस्क के ऊपर डाटे को राइट भी करना और उससे डाटे को रीड भी करना। जब राइट हो रहा होगा इसका मतलब इनपुट है, जब रीड हो रहा होगा तो इसका मतलब आउटपुट है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के भी डिस्क ड्राइव होती है डिस्क के ऊपर डाटा रीड करने के लिए, फ्लॉपी डिस्क में भी होती है, और सीडी जो होती है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क से जिस हम सीडी रोम में डालते हैं, जिसे हम सीडी रोम कहते हैं, उसका भी ये काम होता है कि सीडी के ऊपर डाटा राइट भी करना और इसे डाटा रीड करके हमें स्क्रीन पे दिखाना, जो कुछ इसके अंदर सेव है उसको रीड करना, उसे स्क्रीन पे हमें यूजर को दिखाना या फिर अगर ऑडियो है तो सुनाना। तो ये इसका काम है हमारी डिस्क ड्राइव का। ये कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 4 में भी यूज किया जाएगा। तो ये डिस्क ड्राइव का टॉपिक था। यहाँ तक हमारी इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो गई हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा हाफ हो गया। हाफ चैप्टर नंबर 3 जो है वो इनपुट डिवाइसेस पर मुश्तमिल था। तमाम इनपुट डिवाइसेस पर ही हमने कीबोर्ड पढ़ा, उसके बाद हमने माउस के बारे में डिस्कशन की, ट्रैक बॉल पढ़ा हमने, उसके बाद हमने जॉयस्टिक पढ़ा, फिर हमने स्कैनर पढ़ा, उसके बाद माइक्रोफोन, वॉइस रिकॉग्निशन, फिर लाइट पेन, और उसके बाद हमने डिजिटल कैमरा पढ़ा, और फिर डिस्क ड्राइव के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सारी इनपुट डिवाइसेस पढ़ी। इसके बाद आगे आउटपुट डिवाइसेस वाला पोर्शन है। अगला जो इस चैप्टर का हिस्सा सेकंड है वो आउटपुट डिवाइसेस का, जो कि हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको सीखने को मिला। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।